SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिका कुमारी और आप देख रहे हैं SN Live। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव के बाद अब राजद नेता व विधायक लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप भी जा सकते हैं जेल। जी हाँ, आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पर भी लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा है। तेज प्रताप यादव पटना के गर्दन विभाग अस्पताल पहुँचे हुए थे और PMCH पटना भी पहुँचे हुए थे, जहाँ पर लालू यादव के नाम से चल रहे लालू रसोईया में उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए खाना बांटा था। बता दें कि लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार अब पूरी तरह से सख्त हो गई है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई चाहे आम हो या खास, अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कल ही जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उन पे भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला था। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को भी साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले, वरना उन्हें भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि लालू यादव के द्वारा एक रसोईया चलाया जा रहा है, जिसमें खुद तेज प्रताप जरूरतमंद लोगों के बीच खाना बांट रहे थे, जो नीतीश कुमार को रास नहीं आया। बता दें कि आज तेज प्रताप यादव सिवान के प्रतापपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब कयास के ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार पुलिस के खिलाफ मिली चेतावनी के बाद उनको अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है। अब तक की बड़ी खबर आप देख रहे हैं SN Live पर। ऐसे ही देश और दुनिया की खबर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे SN Live। हिंदी से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे SN Live चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।